लेकिन शिव पुराण में स्पष्ट लिखे हुए हैं कि दो स्तंभ के रूप में दिखाई देंगे, जिस देश का नाम अरुणाचल होगा, यहाँ रहने से मरने से प्राप्ति होगी। कंठाय वृकध्वजाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी। ये शिव पुराण में जो है कि पूरा पूर्ण रूप से लिखे हुए हैं और ये 2004 में दिखाई दिए हैं। 2004 में चार में 14 जुलाई ये सोमवार सावन महीना सोमवार लकड़ी लोग काट रहे थे। अच्छा, तो लकड़ी का पोजीशन ऐसे था कि कटने के बाद इनके माथे पर आने वाला था, लेकिन वो लकड़ी जब कटा है तो शायद विपरीत दिशा में चल गया। ये बात है ना, शायद नहीं हकीकत हम देखे नहीं है। मैं जो है ना पहाड़ का जो डायरेक्शन है, हम लोग अगर पेड़ काटेंगे इस तरीके से काटेंगे तो इसी तरीके यहीं पर गिरना है, क्योंकि यही डायरेक्शन से काटते ही है, डाउन में गिरेगा तो जाएगा। इस डायरेक्शन से काटे तो यहाँ पर जिसे भगवान थे, इस डायरेक्शन से नहीं गिर के अलग डायरेक्शन गिर, गिरने के बाद वो चले गए, कोई बड़ा बात नहीं, वो चले गए। वो चले जाने के बाद यहीं पर थे, नीचे वाला जो दो तीन घर है ना नेपाली में, रात को लोग सपना, सपना देखने के बाद फिर आए देखे, तो वो लोग भी तो इतना जानकारी नहीं है, फिर मार्केट के लोगों को खबर, मार्केट के लोगों को जब बताया तो मार्केट के लोग आए सब देखे उसको सबसे, और उसके बाद हम लोग जब इधर उधर सब पेपर ऊपर देखने चले गए तो शिव पुराण में भी ऑलरेडी लिखा हुआ, पहले से लिखा हुआ पहले से लिखा हुआ, वही ब्रह्मा विष्णु का जब लड़ाई नीचे नहीं था, ये जैसे वैली टाइप का है ना, टाइप का, हाँ दोनों तरफ पहाड़ यहाँ तक भी था ठीक है, कुछ दबा हुआ था पर्सन, मतलब कुछ नहीं, ये सब तो दिखाई दे रहा था। अभी जब से हुआ ना उसका बाद ये जब बना, ये फाउंडेशन बना तो हम कुछ पर्सन तो हम लोग को नीचे चला गया। अच्छा, ये पर्सन जो है ना इसका हाइट जो है 24 फीट है और पेट इसका 22 फीट है, लेकिन पेट जो कम हो गया क्योंकि नीचे से जब हम लोग इसका फाउंडेशन बनाया ना इसका पेट कम हो गया, ये टोटल मतलब हाइट 24 फीट 26 फीट है 24 फीट और पेट जो है 22 फीट। अच्छा अच्छा, नीचे इसके कितना है जमीन के अंदर, नीचे से ऑटोमेटिक जल आता है, नीचे भी आप हाथ लगा के देखिए इसके नीचे जल जल है ना, घर में भी ले जा सकते हैं, यहाँ तक जो है ना, अब यहाँ हाथ लगाइए ये देखिए ठीक है, ये जो यहाँ तक फूल है जल ठीक है,
अपने घर में छिड़क सकते हैं। पूरा परिवार है यहाँ। अच्छा अच्छा भगवान का पूरा ये नंद भगवान नंद भगवान गंगा जी ध्वजाय तस्मै नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। ॐ महावीर्यं प्रवक्ष्यामि महादेव निर्मितं उत्तमाय। ऐसे नीचे में गिरा हुआ है, इसमें ये पत्थर का माला हुआ है। हाँ देखिए चारों तरफ से घूम करके देखिए और गणेश जी को देख रहे हैं सामने। हाँ एकदम सुबह है और उनको ऐसे बना हुआ है। वहाँ नंदी जी नंदी जी उनका माता इस साइड से हो गया है और ये पानी डायरेक्ट निकलता है। आप देख सकते हैं पानी कहाँ से निकलता है, पानी निकल रहा है, पूरा पानी नहीं है, इधर पानी है, सामने पानी है और ये कार्तिक शिव पुराण स्कंद पुराण और लिंग पुराण ये तीनों में कुछ न कुछ लिखा हुआ है। लेकिन शिव पुराण में स्पष्ट लिखे हुए हैं कि दो स्तंभ के रूप में दिखाई देंगे। जिस देश का नाम अरुणाचल होगा यहाँ रहने से मरने से प्राप्ति होगी। दीपं दर्शयामि अर्घ्यामि शिवाय नमः शिवाय शिवाय गायि पदाय शरणाशदाय नीलकण्ठाय वृकध्वजाय तस्मै यकाराय त्रिनीलकण्ठाय वृकध्वजाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। ॐ महाविद्यां प्रवक्ष्यामि महादेवनिर्मितां उत्तमा सर्वविद्यानां सर्वभूतवशङ्करी पूर्वसुत्री माता पार्वतीदेवी सो नमः। दीपं दर्शयामि अर्घ्यामि।